चलो बच्चों, तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। देखो, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में हमने अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग समझा था, उसके टाइप्स हमने देखे थे, और उसके बाद हमने अनएम्प्लॉयमेंट के कॉजेस, उसके रीज़न भी समझे थे कि हमारे इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रपोर्शन क्यों ज़्यादा है, बरोबर ना। अब उसके आगे का अगर पॉइंट देखें तो आज हमें समझना है मेजर्स टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, कि हमारे यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है ना, उसको कम कैसे किया जा सके, क्या क्या जो है वो वर्क किए जाएं, जो सरकार करे या हम करें, कि जिससे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। और अगर ये पॉइंट हमें इजीली समझना है ना, तो एक पॉइंट ध्यान रखना कि कल जो हमने कॉजेज समझे थे ना, कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट क्यों ज़्यादा है, उसके रीजन्स समझो, वही रीज़न का अपोजिट लिखना है। कल जो भी हमने रीज़न समझे थे वो एक बार रिवाइज करो, वो एक बार याद रखो, तो ये मेजर्स जो है वो इजीली समझ में आएंगे। जो कल बातें समझी थी वही बातें यहाँ पर भी हैं, क्योंकि रीज़न हमें पता चला कल, अब उसी रीज़न को अगर ठीक किया जाए तो वही तो हमारे मेजर्स कहलाते हैं ना। फिर जैसे कि देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस करने का सबसे पहला मेज़र आता है पॉपुलेशन कंट्रोल। आप नोट करो कि कल के कॉजेस में भी पहला ही कॉज था पॉपुलेशन, कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, अगर उसे कंट्रोल में किया जा सके, पॉपुलेशन कंट्रोल की जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट खुद ब खुद कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कल हमने समझा था, हाँ मैं यही बताऊंगा बार बार कि भाई कल के जो पॉइंट्स थे और आज के जो पॉइंट है, वो कॉजेस और ये मेजर्स वो इक्वली है इस चैप्टर में। तो पॉपुलेशन के बारे में जैसे हमने समझा था कि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, कि हर साल 1.70 करोड़ के आसपास यहाँ पर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इतनी जो है वो ये जॉब इंक्रीज नहीं हो पाती। इसकी वजह से जो जॉब सीकर्स कहलाते हैं ना, मतलब जो जॉब ढूंढने के लिए जाते हैं, जो लोग पढ़ लिख कर तैयार होते हैं, जो लोग जो है वो नई नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं, उन्हें पूरी नौकरियां मिलती नहीं हैं, और इसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। तो अगर पॉपुलेशन कंट्रोल में आ सके, उसके मेजर्स अगर किए जा सके, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल में आती है उसके लिए तो पूरे अलग टॉपिक्स आते हैं ना, बरोबर ना। इसके आगे का वो चैप्टर आएगा पूरा ही पॉपुलेशन के बारे में, कि अगर पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल की जा सके, तो उसकी वजह से लॉन्ग टाइम में वो इफेक्ट दिखेगा कि धीरे धीरे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाएगी। पॉपुलेशन कंट्रोल करने से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है, कम होती है, लेकिन स्लो रेट में, बहुत कम, बरोबर। लेकिन फिर भी ये एक इफेक्टिव मेजर कहलाता है। ऐसे समझो, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल आई तो हमारी कंट्री के ऊपर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का बर्डन बहुत हद तक कम हो जाएगा, बरोबर ना। पॉपुलेशन कंट्रोल से अनएम्प्लॉयमेंट भी कंट्रोल में आ जाएगा काफ़ी हद तक, इसलिए ये पहला मेजर कहलाता है उसका। दूसरा अगर कहें तो इंक्रीज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी कल हमने समझा था पॉइंट, कि हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत कम है। जब हमें आज़ादी मिली थी उस वक्त यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ 3% के आसपास था, 1950 के आसपास यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट या ग्रोथ रेट कहो तो वो 3% के आसपास था, जो प्रॉपर नहीं है। आज के कंडीशन में अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है ना, तो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट मिनिमम 10% होना चाहिए, मिनिमम, उससे ज़्यादा हो तो बहुत अच्छा है। कल भी ये बात की थी ना हमने कि भाई मिनिमम 10%, मतलब आज कंट्री जिस कंडीशन में है, दूसरे साल उससे 10% ज़्यादा हो हर चीज़ में, हर सेक्टर, हर चीज़ में, कि भाई एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, सर्विस सेक्टर्स में, ट्रांसपोर्ट में, बैंकिंग में, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में, हर छोटी छोटी चीज़ों में भाई 10% का ग्रोथ रेट होना चाहिए। जब ये ग्रोथ रेट प्रॉपर हो ना, तो जिसकी वजह से जो है वो पूरी कंट्री में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं। इसलिए ये एक मेज़र गिना जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का रेट इंक्रीज़ करना। जितना जल्दी जो है वो डेवलपमेंट होगा, उतना जल्दी जो है वो नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, और जितना जल्दी नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी, उतना ज़्यादा जो है वो लोगों को नौकरियाँ मिलेगी, जॉब मिलेगी, बरोबर। तो अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ये भी एक पॉइंट बहुत ज़रूरी कहलाता है। या दूसरा कहो, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग, ये पॉइंट भी कल के पॉइंट में आता था, कि कल जहाँ पर हमने एक पॉइंट समझा था कि यहाँ इंडिया में मैन पावर प्लानिंग नहीं है। मैन पावर प्लानिंग मतलब कि भाई इंडिया को कब कौन से लोगों की ज़्यादा ज़रूर है, इसकी प्लानिंग इंडिया में प्रॉपरली नहीं की जाती।
कौन से लोगों की, मीन्स कल भी ये एग्जांपल बताया था मैंने कि भाई आज के टाइम में अगर डॉक्टर्स की ज़्यादा ज़रूरत है तो सरकार को ट्राई करना चाहिए कि भाई पूरी इंडिया में डॉक्टर्स की डिग्रीज एजुकेशन शुरू करें, लो रेट में शुरू करें, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दें कि जिसकी वजह से जो है वो लोग नए डॉक्टर्स तैयार हो सके और पूरे इंडिया में उस डॉक्टर्स का फ़ायदा मिले हमें। ठीक है, इसे कहते हैं प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग कि भाई आज कौन से सेक्टर में हम पीछे हैं तो उन सेक्टर के लोगों को जो है वो ज़्यादा एजुकेशन, ज़्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए, जो लोग हैं उनमें जो है वो स्किल, उनमें टैलेंट जो है वो बढ़ाने का काम करना चाहिए। अगर इस तरह से प्रॉपर प्लानिंग की जाए कि भाई हमारे यहाँ पर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है, भाई उसे दूर करने के लिए हर साल भाई एक साल जो है समझो डॉक्टर्स के ऊपर ज़्यादा जोर दिया कि भाई उनके रिलेटेड जो है वो प्लानिंग की कि जिससे उसकी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो। देखो अनएम्प्लॉयमेंट हर फील्ड में होती है, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, फिर वो जो है वो सीए हो, या ऐसे कोई भी फील्ड क्यों ना हो, अनएम्प्लॉयमेंट हर फील्ड में है। ये तो बेसिक फील्ड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, छोटी छोटी फील्ड्स में भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। जो मैनेजमेंट करने वाले लोग होते हैं वो भी जो है वो एजुकेशन के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, है ना, बीबीए एमबीए करने वाले पर्सन्स भी। तो हर फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट को प्लानिंग करनी चाहिए कि एक एक फील्ड की अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर की जा सके, उन्हें कैसे स्किल और टैलेंट दें हम लोग कि जिससे या तो वो अपनी जॉब प्रॉपर ढूंढ सकें या तो फिर वो अपना बिजनेस शुरू कर सकें। बरोबर ना, एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता ना कि भाई काली जो है वो दूसरी जगह पर जॉब करें, अगर वो अपना बिजनेस शुरू कर पा रहे हैं, अपनी अपना काम खुद कर पा रहे हैं तो भी तो सही बात है ना, तो भी तो उनकी इनकम मिलेगी ना, तो भी तो वो एम्प्लॉयड कहलाएंगे ही ना, बरोबर ना। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्लानिंग ज़रूरी है। किस फील्ड में किस साल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी चाहिए, इसकी स्टेप बाय स्टेप अगर प्लानिंग की जाए ना तो हमारी कंट्री को वो बहुत बेनिफिट देगा। इनके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। ये भी पॉइंट कल में था कि भाई हमारे यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम बहुत लो है, या समझो यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन नहीं दी जाती। वोकेशनल एजुकेशन मतलब समझो भाई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जाती है, यहाँ पर सिर्फ बुकिश नॉलेज दी जाती है, जो कहते हैं ना भाई ऐसी बुकिश नॉलेज कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ क्लर्क पैदा करता है। क्लर्क मतलब भाई वो पर्सन भाई जो खाली हिसाब किताब खाली बस देख के लिखता हो और कुछ नहीं, कोई उसे प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, कोई जो है वो उसे क्या कहते हैं कि भाई रियल स्किल और टैलेंट उसे नहीं है। ठीक है, तो ऐसी हमारी एजुकेशन सिस्टम है जो सिर्फ थियोरिकल नॉलेज देती है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। इनकी वजह से ही तो कि भाई जो ग्रेजुएट होने के बाद भी वो पर्सन ना जॉब ढूंढ पाते हैं ना अपना बिजनेस कर पाते हैं। जो ये एग्जाम्पल बहुत फेमस है, बहुत बार ये कहा जाता है कि भाई कोई पर्सन ने एमबीए कंप्लीट किया, मास्टर डिग्री, समझ रहे हो कि ट्वेल्थ के बाद 5 साल उसने एजुकेशन ली है, फिर भी उसके पास इतना टैलेंट नहीं होता कि मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही तो मैं अपना बिजनेस शुरू करके काम करूँ, इतना टैलेंट उसके पास नहीं होता। पैसों की कमी ने, पैसों की प्रॉब्लम अलग बात है कि पैसे जो है वो अगर टैलेंट हो तो लोन मिल जाती है, दूसरे 10 रास्ते निकल जाते हैं, लोग पैसों की वजह से अटक जाते हैं तो वो गलत है। कि अगर एमबीए करने वाले पर्सन जो है वो पैसों का मैनेजमेंट भी ना कर पाए तो उन्होंने एमबीए किस काम का किया, सही बात है ना भाई। यहाँ पर जो है जो उन्होंने नॉलेज ली है उस नॉलेज के बाद कहीं नौकरी ना मिले वो ठीक है, लेकिन वो अपना काम भी ना शुरू कर सके तो ये गलत बात है। किसी ने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की हो 3 से 5 साल तक और उसके बाद उसे कहीं जॉब ना मिले तो वो अपनी जो है वो शॉप खोल कर बैठ सकता है, कम से कम एक गैराज खोल कर बैठ सकता है, लेकिन इतनी भी ट्रेनिंग, इतनी भी स्किल उसे नहीं दी जाती कॉलेजेस में। ये एजुकेशन सिस्टम की गलती है और इसीलिए एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन शुरू करना चाहिए, जो 2015 के बाद से हमारे यहाँ पर धीरे धीरे शुरू हुआ। समझो अभी तक कोई प्रॉपर नहीं हुआ है, बहुत स्लो रेट में चल रहा है, पर हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन मतलब प्रैक्टिकल वोकेशनल एजुकेशन इंडिया में शुरू हुआ है। आज के टाइम में होता है कि भाई कितनी जगह पर जो डिग्रीज दी जाती है, मतलब समझो जो कॉलेज के ईयर्स होते हैं 3 ईयर्स या 5 ईयर्स का जो क्लास होता है, जो स्टडी होती है, उन स्टडी में आखिरी का साल ऑलमोस्ट अब वो प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं कॉलेज में। हाँ, ये अभी भी जो है वो ये मिस्टेक है कि पहले के 2 साल तो थियोरिकल नॉलेज ही चलती है, आखिरी के साल में जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है कि जहाँ पर जो कोई पर्सन हो ना उन्हें जो है वो कोई बिजनेस में या कोई जगह पर प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। कि जैसे अगर किसी ने सीए कंप्लीट किया हो लेकिन सीए के बाद कोई बिजनेस का अकाउंट लिखना ही उसे ना आता हो, उसने तो खाली बुक में से देखकर रूल्स रेगुलेशंस पढ़े और वैसे पास हुआ, उसके बाद उसे अकाउंट लिखना ही ना आता हो तो वो सीए किस काम का, एक एग्जांपल ना ऐसा।
इसीलिए जो है वो आखिरी साल में ऐसे लोगों को पर्टिकुलर बिजनेस का अकाउंट लिखने के लिए भेजा जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए कि आपने थियरी कल तो बहुत ले ली, एक साल जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज लो। बरबर, ऐसा सिस्टम हमारे इंडिया में धीरे धीरे शुरू हुआ है लेकिन अभी प्रॉपर नहीं है। तो बात यहाँ आती है ना कि अगर ऐसा सिस्टम शुरू हो, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन दिया जाए, वोकेशनल प्रैक्टिकल एजुकेशन अगर दिया जाए, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर हो सकती है कि जो जो एजुकेटेड पर्सन है वो कम से कम फिर अपना काम तो शुरू कर सकते हैं ना। जॉब मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जॉब ना मिली तो कम से कम वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, ये फायदा उन्हें मिलता है। तो ये भी पॉइंट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का पॉइंट आता है। या उसके बाद अगर हम कहें तो कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये पॉइंट भी कल में था कि हमारे यहाँ पर कॉटेज इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उसे जो है वो बहुत पीछे कर दिया गया है। यहाँ पर जो है ऐसे समझो जो लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया कि भाई जब हमें आज़ादी मिली थी ना तब गवर्नमेंट ने जो है वो ये सोचा था कि हमारी कंट्री बहुत पीछे है और उसे जल्दी से आगे लाने के लिए जो है यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होना ज़रूरी है। तो उन्होंने पूरा फोकस जो है वो लार्ज इंडस्ट्रीज पर कर दिया और कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज उसे इग्नोर करने लगी गवर्नमेंट, और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई कि लार्ज इंडस्ट्रीज इतनी बढ़ने लगी और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एकदम कम हो गई। कल भी मैंने आपको इसका एग्जाम्पल दिया था कि जैसे जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री, घर में चलने वाली इंडस्ट्रीज में अगरबत्तियाँ बनती थी, अब वही अगरबत्तियाँ फैक्ट्रीज में बनती हैं तो उनका बिजनेस तो बंद पड़ गया ना, पर ना उनका बिजनेस तो ठप पड़ गया ना। तो अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट दूर करनी है ना तो सरकार को इनके ऊपर जो है वो ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एक सर्वे ये कहलाता है कि जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे करते हैं ना, अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे करें ना या कॉटेज इंडस्ट्री पे करें ना तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में 7.5 टाइम्स 7.5 गुना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। मतलब अगर समझो कुछ रुपयों से बड़ी इंडस्ट्री शुरू की, उतने ही रुपयों से छोटी छोटी इंडस्ट्री शुरू की ना तो 7 गुना ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिल सकती हैं। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कहाँ करना ज़्यादा सही, कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सही रहेगा ना, बरबर ना। तो गवर्नमेंट को इस बात पर जो है वो ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और देते भी हैं, अब के टाइम में जो है वो देते भी हैं। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा बेनिफिट्स देती हैं, लोन की फैसिलिटीज़ देती है, रॉ मटेरियल उन्हें देती हैं, अदर सब्सिडीज़ वगैरह उन्हें प्रोवाइड की जाती है कि जिससे इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हो, क्योंकि अगर इन इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ होगी तो इनडायरेक्टली ये अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाएगी। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने का ये भी एक मेज़र आता है कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उनके बाद कहें तो एक्सटेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, ये भी पॉइंट कल में था, ये भी था कल कॉजेज में कि हमारे यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बहुत कम है, बहुत लो है, और इसकी वजह से जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ मतलब बेसिक फैसिलिटीज़, जैसे कि भाई घर में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़, बाहर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, एजुकेशन फैसिलिटीज़, जो ज़रूरी चीज़ें हैं हमारे आसपास होनी चाहिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज़, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कहलाती है। हर पर्सन को अपने डेवलपमेंट के लिए ये फैसिलिटीज़ ज़रूरी है, और जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ नहीं होती ना तो वो पर्सन ना अपना डेवलपमेंट कर पाता है और उसके बाद जो है वो अपनी जॉब या अपना एम्प्लॉयमेंट भी वो कर पाता नहीं है। कल एक एग्जांपल ये दिया था मैंने कि भाई हमारे यहाँ पर जो है अगर कोई विलेजेस में कोई पर्सन को बिजनेस शुरू करने की इच्छा है लेकिन वहाँ इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी नहीं है, कोई दूसरी फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी नहीं है, तो वो कैसे बिजनेस शुरू करे और कैसे अपना अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर पाए वो, बरबर ना। तो इसलिए जहाँ पर ये फैसिलिटीज़ होती है ना तो भाई वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जल्दी से दूर होता है, लोग अपना डेवलपमेंट खुद कर पाते हैं, उनकी हेल्थ सुधरती है, आसपास क्लीनिनेस सुधरती है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधरता है ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज से, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट उनकी अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे दूर होती है। ये सब जो है वो एक दूसरे से समझो ना कनेक्टेड कहलाते हैं। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी बढ़ाने की कोशिश करती है और करते हैं, सरकार इनके लिए भी काम कर रही है, ये सब मेजर्स ही हैं जो गवर्नमेंट प्रॉपर वर्क कर रही है। आज देखो तो ऑलमोस्ट जगह पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है, 99% जो है वो प्लेसेस पर इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी आ चुकी है,
बरबर ना, कम्युनिकेशन, मोबाइल और इंटरनेट जैसी फैसिलिटीज भी आज हर जगह पर है। तो ऐसी फैसिलिटीज बढ़ती जा रही हैं जिनकी वजह से अब हर एक पर्सन जो है वो अपना डेवलपमेंट कर पाता है और ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो समझो दूर हो पाती है, बरबर ना। या इनके बाद कहो तो स्पीड एंड एक्सपांशन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर, ये भी जो है वो कल हमने बात की थी कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडिया मेन एग्रीकल्चरल कंट्री है और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर ही जो है वो काफ़ी पीछे है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉपर ग्रोथ की जाए ना तो उनकी वजह से ओवरऑल जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वन ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में भी। एग्रीकल्चर को फायदा होगा तो इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर को भी फायदा होगा, बरबर ना। इसलिए एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट ज़रूरी है और उसके डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम शुरू हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। आज़ादी के बाद का एक टाइमिंग था हमारे यहाँ पर, ऐसा एक टाइमिंग था जब जो है हमारी कंट्री एग्रीकल्चरल कंट्री होने के बावजूद हमारे कंट्री में खाने के लिए हमें दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था। मतलब फूड मटेरियल्स भी जो है वो हमें दूसरे देशों से इम्पोर्ट करने पड़ते थे। ऐसी हालत थी हमारी आज़ादी के बाद कुछ सालों तक। और उसके बाद सरकार ने ये डिसाइड किया कि और कुछ नहीं, कम से कम एग्रीकल्चर में तो हमें सेल्फ रिलायंट होना चाहिए। सेल्फ रिलायंट मतलब खुद के ऊपर ही डिपेंड होना चाहिए। भाई हमारा एग्रीकल्चरल कंट्री है, हम एग्रीकल्चर की चीज़ें भी बाहर से मंगवाएं तो ये तो गलत बात हो गई, बरबर ना। इसीलिए सेल्फ रिलायंट होने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने ग्रीन रिवॉल्यूशन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट मतलब समझो कि एक तरह का जो है वो एक्सपेरिमेंट शुरू किया कि जहाँ पर इसका एक्सपेरिमेंट कुछ पंजाब और उसके आसपास के प्लेसेस पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी, बरबर ना। ये ग्रीन रिवॉल्यूशन का पायलट प्रोजेक्ट कि जिसमें ऐसा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर वहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती थी कि भाई इरिगेशन की फैसिलिटीज़, नए नए हाइब्रिड सीड्स दिए जाते थे, नई मशीनरीज, नए टूल्स वहाँ पर लाए गए। और ये कोशिश की गई कि क्या वहाँ पर इन सब फैसिलिटीज़ से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये पायलट प्रोजेक्ट जब वहाँ पे एक स्टेट से शुरू हुआ ना तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो सरकार ने उसके बाद जो है वो 4 से 5 स्टेटों में फिर से जो है वो एक बार एक्सपेरिमेंट किया और वहाँ पे भी अच्छा रिजल्ट जब मिला ग्रीन रिवॉल्यूशन का, तो उन्होंने पूरी कंट्री में जो है वो ये इसकी शुरुआत की कि अब पूरे देश में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू किया जाए, हर जगह पर जो है एग्रीकल्चर की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएँ कि जिससे यहाँ पर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो। लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि भाई हमारे यहाँ पर जो है ऐसे समझो ग्रीन रिवॉल्यूशन कुछ स्टेट्स में बहुत अच्छा चला लेकिन कुछ स्टेट्स में वो थोड़ा स्लो होता गया, बरबर ना। वही जो नॉर्मल होता है कि भाई सरकार की जो है वो लापरवाही की वजह से, बरबर ना, जैसे चीज़ें होती हैं वैसे कि उनकी वजह से कोई स्टेट में बहुत फ़ायदा मिला, कोई स्टेट में जो है वो बहुत कम फ़ायदा मिला। इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए ये कहा जाता है कि भाई ग्रीन रिवॉल्यूशन का स्पीड एंड एक्सपांशन होना चाहिए, भाई जल्दी से वो बढ़ना चाहिए और एक्सपांड होना चाहिए, हर स्टेट में इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। और एग्रीकल्चर के लिए तो ये कहते भी हैं, एग्रीकल्चर के लिए तो कहा भी जाता है कि भाई जितना इन्वेस्टमेंट हम लोग बड़ी इंडस्ट्रीज़ में करते हैं ना, अगर उतना ही इन्वेस्टमेंट हम एग्रीकल्चर में करें ना तो उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में क्रिएट कर सकते हैं। भाई 1 करोड़ लेकर अगर बड़ी इंडस्ट्री शुरू करो और वही 1 करोड़ अगर एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो ना, तो इंडस्ट्रीज़ के कंपैरिजन में 100 गुना ज़्यादा बेनिफिट एग्रीकल्चर में मिलेगा और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत जल्दी दूर हो सकती है, बरबर। हमारे एग्रीकल्चर में, इंडिया के एग्रीकल्चर में सच में इतना पोटेंशियल है, सच में इतनी ताकत है कि वो पूरी कंट्री की जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर कर सकता है। रियली ये बात भी मैंने कल बताई थी कि हमारे एग्रीकल्चर में है इतनी ताकत कि भाई पूरी कंट्री की अनएम्प्लॉयमेंट ये अकेला सेक्टर दूर कर सकता है। लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए एग्रीकल्चर की, जो प्लानिंग जो है वो बहुत कम है, बरबर ना। इसलिए ये कहा जाता है कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में स्पीड एंड एक्सपांशन हुआ तो जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो पाएगा। तो देखो ये सब जो है वो मेजर्स कहलाते हैं। अब इनके साथ एक पॉइंट आता है, स्टेट प्रोग्राम्स टू सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए ये सब मेजर्स तो देखे, इन्हीं मेजर्स में एक पॉइंट आता है स्टेट प्रोग्राम्स। हर एक स्टेट के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ स्कीम्स हैं जो सरकार ने शुरू की है हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए। वो अगर कुछ स्कीम्स के नाम हम लोग पढ़े ना तो सबसे पहले ये आता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
MGNREGA, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये पॉइंट है ना, हमारे पॉवर्टी वाले चैप्टर में भी था, आगे के चैप्टर में भी था। 2005 में यहाँ पर सरकार ने जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इस नाम से ये स्कीम शुरू की थी 2005 में, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, कि जिसका मेन मकसद ये था कि रूरल एरिया में, गांव में रहने वाले जो पर्सन है उन्हें गारंटीड जो है वो जॉब मिले, गारंटीड, कोई भी इंसान अनएम्प्लॉयड न रहे, इस मकसद से ये स्कीम शुरू हुई थी। और 2009 सेकेंड अक्टूबर को ये नाम बदल कर उसमें महात्मा गांधी ऐड किया गया, महात्मा गांधी के नाम से, कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जैसे नाम ही है ना, गारंटी एक्ट है, रूरल एरिया में और आज के टाइम में तो अर्बन सिटीज के एरिया में भी हर पर्सन को कंपलसरी जॉब मिले ना, इसलिए ये स्कीम है कि जो पर्सन इसमें रजिस्टर करवाते हैं उन्हें साल के 365 डेज में से 100 डेज गारंटीड जॉब मिलती ही मिलती है, बरोबर ना, एम्प्लॉयमेंट मिलती है उनकी कंडीशन के हिसाब से। कोई मजदूरी कर रहा है, कोई जो है वो ऑफिस वर्क को करना है, या किसी को और कोई काम करना है, लेकिन भाई साल के 100 दिन कंपलसरी जो है वो जॉब मिलती ही मिलती है, ये गारंटीड एक्ट है। और गारंटीड एक्ट में 100 दिन जॉब मिलती है, उसके साथ अच्छा रिवेन्यू, ऐसा नहीं एकदम कम पगार पे, सरकार ये जॉब देती है तो जिसकी वजह से अच्छी पगार पे उन्हें मिलती है। इनके अलावा इस एक्ट में जो इन्हें जॉब मिलती है ना, वो इनके घर के आसपास ही, मतलब इनका जो घर हो ना, विद इन 5 किलोमीटर जो है वो इन्हें जॉब दी जाती है। अगर सपोज कोई पर्सन को 5 किलोमीटर से दूर कहीं नौकरी मिली है, बरोबर, सरकार की तरफ से नौकरी मिली लेकिन उसके घर के 5 किलोमीटर के अंदर नहीं है, 5 किलोमीटर से दूर है, तो जितनी दूर हो ना उतनी उसे पगार भी ज्यादा दी जाती है, बरोबर, क्योंकि आने जाने का खर्चा भी तो रहता है ना फिर, तो उतनी जो है वो उन्हें पगार भी ज्यादा दी जाती है अगर दूर हो तो। और इनके साथ जो लोग जो है वो इसमें अप्लाई करते हैं, इस एक्ट में जो अप्लाई करते हैं उन्हें गवर्नमेंट एक जॉब कार्ड बना के देती है, एक जॉब कार्ड। ये जॉब कार्ड ऐसा होता है कि भाई आपने 100 दिन तो नौकरी की ना, अगर आपका उसमें परफॉर्मेंस अच्छा है तो इस जॉब कार्ड के अकॉर्डिंग फ्यूचर में आपको कहीं पर भी इजीली नौकरी मिल जाएगी, बरोबर ना। ये एक रेफरेंस की तरह जॉब कार्ड सरकार बना के देती है कि अब आपके पास जॉब कार्ड है, अब आप कहीं पर नौकरी लेने जाओगे तो इस कार्ड के जरिए पहले आपको नौकरी मिलेगी कि भाई आपने यहाँ पर पहले नौकरी कर चुके हो, बरोबर, सरकार इतना फायदा देती है। और बाय चांस जो है वो सरकार अगर नौकरी नहीं दे पाए, 100 दिन का वायदा किया, गारंटी एक्ट है, 100 दिन की गारंटी दी कि हम नौकरी देंगे, और उसके बावजूद अगर वो नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो 100 दिन का अलाउंस, मतलब 100 दिन का खर्चा सरकार सामने से देती है, बरोबर ना, घर बैठे जो है वो 100 दिन का खर्चा उन्हें मिल जाता है कि भले आप जॉब नहीं कर रहे हो तो उतनी पगार तो आपको मिलेगी, ये गारंटी, बरोबर। तो ये एक स्कीम अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए शुरू की थी, गारंटीड एक्ट। दूसरी एक स्कीम शुरू हुई थी जिसमें था पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना, PDUSJY, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना। ये 2014 में ये योजना, ये स्कीम शुरू हुई थी जिनका मेन मकसद था श्रमेव जयते, मतलब कि भाई यहाँ पर जितने भी वर्कर्स हैं इंडिया में उन सबका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ओवरऑल डेवलपमेंट, जिनमें हर वर्कर को पहले प्रॉपर एजुकेशन दी जाती, ट्रेनिंग दी जाती, उन्हें स्किल उनके बढ़ाने का काम करते, उनका जो है वो डेवलपमेंट का काम करते, और उसके बाद ट्राई करते, उसके बाद सरकार जो है वो ट्राई करती कि भाई उन्हें जो है वो कहीं पर अच्छी जॉब मिले या तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके। और सिर्फ स्किल और टैलेंट बढ़ाने का काम नहीं, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान दिया जाता, इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ दी जाती, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाती, तो जो वर्कर्स हैं उनका खाली एक जगह नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये मकसद से ये स्कीम शुरू हुई थी जो आज तक चल रही है, बरोबर। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, आप कभी जो है वो कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस में चले जाओ और वहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी स्कीम की आप लिया करो, या तो आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफिस में ना जाओ तो गूगल बैठा हुआ है, बरोबर ना, वहाँ पर जाकर आप ऐसी स्कीम अगर सर्च करोगे ना तो वहाँ पर ऐसी स्कीम की जो है वो पूरी डिटेल आ जाती है कि इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाए, कैसे जो है वो हमें एजुकेशन मिलेगी, सरकार क्या काम करती है, ये सब जो है वो डिटेल इसमें आ जाती है, नौकरी कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कितनी पगार की, ये ऑलमोस्ट डिटेल वहाँ पर प्रोवाइडेड है। तो ये योजना शुरू हुई थी श्रमेव जयते योजना, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से।
कि भाई जिसकी वजह से हमारे यहाँ पर वर्कर्स का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ये इनका मेन मकसद था। इसके बाद आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, ग्रामीण ज्योति योजना मीन्स कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देने के लिए ये योजना शुरू हुई थी। हमने ये देखा था अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, ये एक पॉइंट आता है ना, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज में इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी बहुत बेसिक कहलाती है। हमारे यहाँ इंडिया में काफ़ी सारे गांव हैं ऐसे कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी देने के लिए ये योजना शुरू हुई थी कि ग्रामीण ज्योति योजना, कि जहाँ पर हर एक गांव में 24/7 24 घंटे सातों दिन पूरी इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, ऐसी फैसिलिटी या ऐसी स्कीम उन्होंने शुरू की थी। और इलेक्ट्रिसिटी देने का मेन मकसद यही कि अगर इलेक्ट्रिसिटी होगी ना ये बेसिक, तो उसके जरिए दूसरी चीज़ें शुरू हो पाएगी। एक तो देखो अगर मैं कनेक्शन बताऊं कि टेक्स्ट बुक में तो शॉर्ट में ही लिखा हुआ है कि भाई 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिले इसके लिए योजना शुरू की है, लेकिन मैं बताऊं कि इसका अनएम्प्लॉयमेंट पे कैसे असर होता है। अगर सपोज कोई गांव है जिस गांव में बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वहां इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का काम शुरू करने के लिए जो है वो वहाँ पर 100 वर्कर्स की ज़रूर पड़ती है, नहीं पोल्स लगाना, घर घर जो है वो वायरिंग करवाना, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी लेकर आनी है वहाँ दूर दूर शहरों तक या नदी डैम से वो वायरिंग्स लेकर आना, इतना सारा कंस्ट्रक्शन का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो 100-200 मजदूरों की ज़रूर पड़ती है। तो सबसे पहले तो जब तक इलेक्ट्रिसिटी लगेगी ना, तो उन 100-200 मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बरबर रोजगारी मिलेगी, उनकी बेरोजगारी दूर होगी एक बरबर। दूसरा कहो जब इलेक्ट्रिसिटी आएगी ना, तो इलेक्ट्रिसिटी के बाद वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी शुरू कर सकते हैं, बरबर। काफ़ी जगह पर पक्के रोड नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो भाई पक्के रोड बने कैसे, उसके लिए भी वो ज़रूरी है। तो इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी आती है तो दूसरी फैसिलिटीज़ उसके साथ आती है, फिर वहाँ पर मोबाइल इंटरनेट की फैसिलिटीज़ आएगी, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ आएगी, फिर वहाँ पर कोई पर्सन को इंडस्ट्री शुरू करने की इच्छा हो तो वो इंडस्ट्री शुरू कर पाएगा, कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी पहले वहाँ वो इंडस्ट्री कोई शुरू नहीं कर पा रहा था, अब कर पाएगा, तो जिसकी वजह से उससे भी तो लोगों को नौकरी मिलेगी ना, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ना, बरोबर ना। तो इसलिए एक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ओवरऑल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो सकती है, इसलिए ये स्कीम शुरू की गई थी। या दूसरा कहो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, ग्रामीण कौशल्य योजना GKY। तो एक कौशल्य मतलब स्किल और टैलेंट ही कहलाता है। ये उसी वजह से कि भाई गांव में रहने वाले हर एक पर्सन सेल्फ एम्प्लॉयड बने, सेल्फ एम्प्लॉयड वो अपना काम खुद कर सके, अपनी नौकरी खुद ढूंढ सके, इसके लिए ये स्कीम शुरू हुई थी ग्रामीण कौशल्य योजना। और इस स्कीम के अंडर में जो है वो गाँव में सेंटर्स खोले जाते हैं, पर्टिकुलर जो है वो सेंटर खोले जाते हैं। 2015 में ये स्कीम शुरू हुई थी कि उन सेंटर में जो बॉयज़ हैं उन्हें कंप्यूटर सिखाया जाता है, छोटे मोटे रिपेयरिंग के वर्क, इलेक्ट्रिसिटी रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग आज के टाइमिंग में, तो ऐसी स्किल उन्हें दी जाती है कि वो सीखने के बाद वो या तो नौकरी कर सके या अपना बिजनेस खुद चला सके। गर्ल्स को वहाँ पर जो है वो सिलाई का काम सिखाया जाता है, कुकिंग का काम, निटिंग का काम, बरबर ना, जो भी गर्ल्स वर्क होता है वो सब वर्किंग जो है वो उन्हें सिखाई जाती है कि जिससे उनका स्किल बढ़े और वो लोग अपनी नौकरी खुद ढूंढ सकें। या तो फिर प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर इरिगेशन प्रोग्राम, ये इस एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए ये स्कीम शुरू हुई थी प्राइम मिनिस्टर के नाम से 2014 से। इस स्कीम में भी वही कि भाई वाटर टू एवरी फील्ड, इस लोगों से ये स्कीम शुरू हुई थी वाटर टू एवरी फील्ड, कि भाई इंडिया में जितने भी खेत हैं हर खेत में पूरा पानी मिलना चाहिए, कोई भी खेत इरिगेशन से बाकी न रहे, इस मकसद से ये स्कीम शुरू की गई थी कि अगर एग्रीकल्चर का जो है वो बेनिफिट होगा, इरिगेशन से एग्रीकल्चर को बेनिफिट होगा, तो ओवरऑल जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो पाएगी, ठीक है ना। तो देखो ये सब मेजर्स, ये सब सरकार जो है वो स्कीम शुरू करती है किसके लिए, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने के लिए। सरकार इसके लिए हमेशा जो है वो काम करती रहती है, ठीक है कि भाई भले वो स्लो रेट में या फास्ट रेट में वो बात अलग हो जाती है, पर सरकार इनके लिए हमेशा काम करती है, ठीक है। तो देखो आज जैसे हमने ये पॉइंट समझे ना कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर की जा सकती है, अब इनके रिलेटेड जो दूसरे टॉपिक्स आएंगे या आगे के जो चैप्टर्स होंगे वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।